हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। और मैं सरला, इंट्यूटिव टैरो रीडर, मैं यहाँ पर करने वाली हूँ आज रीडिंग। हनुमान बाबा, अभी आपको जो करंट सिचुएशन आपकी चल रही है, प्रेजेंट की एनर्जी के लिए क्या संदेश आपको देना चाहते हैं, वो क्या आपको बताना चाहते हैं, ठीक है? और ये कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आती है, यानी कि आपको कुछ ना कुछ मैसेज लेने की जरूरत है, ओके? कुछ ना कुछ डेफिनेटली आपको, एक कहते हैं ना कि बाबा की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा जो आपको शायद बहुत कुछ हेल्प कर सकता है, ओके? करंट सिचुएशन के लिए हनुमान बाबा अभी आपको क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं, मेरा इंटेंशन यही है, ओके? और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। मैं बता नहीं सकती, तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहां से आप देख सकते हो, ओके? और बिल्कुल आप पॉजिटिव रहें, प्रेयर करें बाबा से कि जो भी अभी मतलब कुछ गाइडलाइंस मिल सकती है करंट सिचुएशन के लिए, अभी की स्थिति के लिए, अभी की जो सिचुएशन है आपके, उसके लिए कुछ मैसेज निकल सकते हैं, ओके? प्लीज अपनी अपनी सिचुएशन से मैसेज को लेना, ठीक है? जो आपसे रेजोनेट होते हैं उन्हें ले लीजिए, नहीं होते उन्हें छोड़ दीजिए किसी और के लिए, ठीक है? और थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, मुझे बार बार बोला जाता है ग्रेटिट्यूड पे करने के लिए, ओके? तो मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हनुमान बाबा आपको क्या करंट सिचुएशन के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या अभी है जो अभी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है? देखो, कुछ भी निकल सकता है, ओके? रीडिंग में कुछ भी निकल सकता है, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होने की जरूरत है कि जो कुछ भी आएगा सब कबूल है मुझे, ठीक है? तो हनुमान बाबा की तरफ से क्या अर्जेंट मैसेज है करंट सिचुएशन के लिए, करंट सिचुएशन के लिए बाबा अभी क्या आपको बताना चाहते हैं? करंट जय श्री राम, जय श्री राम, बाबा क्या मैसेज है मेरे को इसके लिए, बाबा जय श्री राम, बाबा क्या मैसेज है मेरे को, क्या मैसेज है इसके लिए, थैंक यू बाबा, जय श्री राम, थैंक यू, जय श्री राम, बाबा क्या संदेश है मेरे को, ओके? सेवन ऑफ व्हील्स, मैं सभी कार्ड्स एक साथ निकाल लेती हूँ, उसके बाद में फाइव ऑफ व्हील्स, बाबा आपको क्या बताना चाहते हैं करंट सिचुएशन के लिए, ओके? फाइव ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द हैंगमैन, ओके? देखो बाबा, यहाँ पर जो आपकी करंट सिचुएशन चल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप सभी बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो। और जब हम कहते हैं ना कि जिस किसी काम को हम बहुत जैसे दिल से करते हैं, मन से करते हैं, एक जैसे अपना कर्मा जुड़ जाता है वहां पर, ओके? जैसे कहते हैं ना कि हमारा हर जैसे खून पसीना, हम किसी कुछ जैसा हासिल करना चाहते हैं, हम अपने कैरियर में या अपनी किसी भी जर्नी पर, हम जैसे करंट सिचुएशन में, आप, मैं बस यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, एक ऐसी स्थिति से आप निकलना चाहते हो जो आपके लिए, जैसे कहते हैं ना कि वहां से निकलना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप शायद अपने आप को, जैसे कहते हैं ना कि एक ऐसा एक आप अपने आप को ऐसा एक ऐसी सोल बनाना चाहते हो, एक ऐसे मुकाम पर आप पहुंचना चाहते हो, और एक ऐसी, जैसे कहते हैं ना, अपनी जिंदगी को जीना चाहते हो जहां पर किसी चीज की कोई कमी ना हो, हर चीज आपको, जैसे कहते हैं ना कि वो जो कुछ भी मिले, ठीक है, वो आपको आपकी मेहनत के अनुसार बाबा के आशीर्वाद से ही मिले, ये मैं यहाँ पर आपके लिए देख रही हूँ। आप पता है बाबा आपको यहाँ पर आपकी करंट सिचुएशन में आपको यहाँ पर यही मैसेज दे रहे हैं कि आप जितना हार्डवर्क करोगे, मैं यहाँ पर उतना ही आपको उसका, जैसे कर्मा होता है ना कि कर्मा, उसका कर्मा आपको मैं जरूर दूंगा, ठीक है? बाबा आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहते हैं कि बच्चे, जिस तरीके से तुम मेहनत कर रहे हो, जिस लगन से आप अपने, जैसे कहते हैं ना कि अपने
जैसे कहते पेशेंस रखते हुए, ओके पेशेंस रखते हुए अपने कर्मास को किया है, अपनी अपनी परिस्थितियों को सुधारने में, चाहे वो स्थिति आपकी चाहे फाइनेंशियली क्यों ना हो या अपनी खुद से खुद की लड़ाई क्यों ना हो। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आप जैसे अपने आप को बहुत एक ऐसी फ्यूचर पास्ट में शायद आप ऐसे थे कि जहां पर कुछ भी समझ नहीं पाते थे, एक जैसे कहते हैं ना कि कुछ उलझने थी आपकी, जो दिमाग को जैसे कहते हैं ना कि हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, किस रास्ते पर हमें जाना है, कि कोई हमें शायद कोई इस चीज से हमें इस दुविधा से निकाल दे, ठीक है, या ये एक ऐसे रास्ते पर लेके जाए जहां पर हम कुछ कर सके, अपने आप को प्रूफ कर सके और अपनी स्थिति को हम बेटर कर सके, वो चाहे फिर उसके लिए मुझे कितना भी हार्डवर्क क्यों ना करना पड़े, चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप पहले आप शायद आप किसी चीज को इतना सोच रहे थे, इतना सोच रहे कि जहां पर आपने मतलब एक सोचते सोचते क्या होता है ना, कभी कभी हम बहुत ज्यादा इम्बैलेंस हो जाते हैं, क्योंकि सोचने से क्या होता है, हमारी एनर्जी ही वेस्ट होती है, ओके सोचने से जैसे हमारी ऊर्जा गलत डायरेक्शन में चली जाती है, जो नहीं करना होता है हम वही करते रहते हैं। एक जैसे कहते हैं ना कि अगर हमें सही रास्ता नहीं मिलता है, ठीक है, एक प्रॉब्लम है उसका समाधान हमें नहीं मिलता है, तो हम क्या करते हैं उसको, एक कहीं ना कहीं हम गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, उसको उसको सही तरीके से सही चीज को बिठाना, मानो कोई प्रॉब्लम है उसका अगर हमें उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें मिल जाता है तो उसको फिर हम उसको फॉलो करने लगते हैं, है ना, उसको उसके ऊपर फिर हम कर्मास करने लगते हैं। तो यहां पर बाबा आपको यहां पर यही मैसेज देना चाहते हैं कि बच्चे एक जो तुम पहले पहले से उठाकर अब अपने आप को देखो, पहले आप शायद कुछ क्लियर ही नहीं थे, समझ में ही नहीं आ रहा था, है ना, जैसे बहुत चीजों को समझना चाह रहे थे लेकिन एक कुछ समय और कुछ हालात आपको जैसे कहते हैं ना कि आपको आपकी काबिलियत से नहीं जोड़ पा रहे थे, ठीक है, आपके अंदर कितना जैसे हर चीज को जैसे कोई भी आपकी परिस्थिति थी, फाइनेंशियली आप या हेल्थ वाइज या कुछ ऐसा सोच विचार में डूबे हुए थे कि जहां पर आपको समझ नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पर उस चीज से अब आप उस स्थिति से आप निकल चुके हो, उस सिचुएशन से आप बाहर निकल चुके हो, अब आप कर रहे हो अपने बहुत ज्यादा आप हार्डवर्क कर रहे हो, अपने काम के ऊपर लगे हुए हो। बाबा यहाँ पर आपकी जो करंट सिचुएशन है ना, यहाँ पर आपको ये बताना चाहते हैं कि बिल्कुल आप अभी जो भी आप कर रहे हो, पहली बात तो ये कि बिल्कुल सही कर रहे हो, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि जो आपको ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगा, सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा, आपको सफलता की तरफ लेकर जाएगा। आप अपने दिलो दिमाग में कभी भी इस चीज को कभी मत लाना कि पास्ट में जो कुछ भी आपने किया उसकी वजह से आपको बहुत लॉस हुए हैं, बहुत आपकी एनर्जी वेस्ट हुई है, बहुत ऐसे लोगों से शायद आपका पाला पड़ा है या ऐसी जर्नी से आपका पाला पड़ा है जो आपको हमेशा जैसे एक अलग ही उसमें लेके जाते थे, ठीक है, कभी भी शायद आपने शायद अपने आप को जानने या समझने की कोशिश ही नहीं करी ना। तो जैसे कहते हैं ना कि पहले आप उस ऊर्जा से बाहर निकल रहे हो, पहले आप बैठ कर बहुत चीजों को सोच विचार करते थे, लेकिन अब यहां पर बाबा आपको की करंट सिचुएशन में ये बताना चाहते हैं कि बच्चे अब आप जो मेहनत कर रहे हो, ठीक है, दिल लगा के किसी काम में जुटे हुए हो, ठीक है, तो यहां पर बस पेशेंस रखो, उसका फल आपको बहुत जल्दी मिलेगा और वो इतना मिलेगा कि जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। वो आपको जैसे कहते हैं ना कि आपकी हर चीज में, आपकी हर चीज में जैसे रास्ते खोल देगा, वो हर काम के जैसे रास्ते खुल जाएंगे वहां पर, क्योंकि यहाँ पर एक जो आपकी करंट सिचुएशन बन रही है ना अभी आपके, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप अभी भी शायद कंफ्यूज हो जाते हो, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ, या जो मैं कुछ कर रहा हूँ वो मुझे सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा कि नहीं जाएगा, सफलता की तरफ मुझे लेकर जाएगा कि नहीं जाएगा, या मैं एक, तो बाबा आपको यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि बच्चे अब आप पूरी तरीके से उस ऊर्जा से, पास्ट की ऊर्जा से निकल चुके हो,
ठीक है। अब अभी जो आप कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो और बिल्कुल ईमानदारी के साथ कर रहे हो और बिल्कुल सच्चाई से आप कर रहे हो। यहां पर मैं सच बताऊं ना, आप एक इतना आपने और आपके यहाँ पर जो जो कर्मास आप कर रहे हो ना यहाँ पर, आपके उसमें आपकी बहुत हेल्प भी है। यहाँ पर इतनी हेल्प की जा रही है आपकी कि जैसे कहते हैं ना कि किसी काम को करने में हमारी ऊर्जा लगती है, ठीक है, हार्डवर्क लगता है, एक पेशेंस लगता है, एक फोकस लगता है और एक बहुत लंबे समय से हमें गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो बाबा आपको यहाँ पर यह भी बताना चाहते हैं कि बच्चे जो कर रहे हो उसमें पेशेंस बनाने की आपको जरूरत है। ये समय थोड़ा सा हार्डवर्क का जरूर है, ठीक है, पेशेंस का जरूर है, लेकिन विश्वास रखना आपको अपने ऊपर कि यही रास्ता आपको एक ऐसी मंजिल तक आपको लेकर जा रहा है जहां पर आप हर चीज को आप अपने तरीके से यहां पर करोगे। एक यहां पर मैं ये भी देख रही हूं कि पास्ट में जैसे कहते हैं ना कि कोई भी एक ऐसी ऊर्जा में थे जहां पर आप आपकी जैसे कहते हैं ना कि आपने शायद अपने आप को ही पलट दिया है। यहां पर बाबा आपको यहां पर ये बताना चाहते हैं आपकी करंट सिचुएशन में कि अब आप पहले की तरह नहीं हो। जो पहले आप सोच विचार करते रहते थे, बैठे रहते थे, समझ में नहीं आता था, दिल कहीं दिमाग कहीं, ठीक है। तो बाबा आपको यहां पर यही बताना चाहते हैं कि बच्चे यही इसी तरीके से मेहनत करो। क्यों? क्योंकि आप जो ये कर रहे हो ना, ये एवं ही नहीं हो रहा है, ऐसे ही नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने उस ऊर्जा से बाहर निकले हो जो आपको लो एनर्जी की तरफ लेकर जाता है। उस ऊर्जा से बाहर निकले हो जो आपको ऐसी समय पर लेके ले जाके खड़ा कर देता है कि जहां पर हर चीज के लिए आप सोच विचार करते थे, लेकिन अब यहां पर आप बहुत क्लियर हो कि आपको क्या करना है, ठीक है। आप पहले शायद निर्णय नहीं ले पाते थे, अपना रास्ते में एक फोकस नहीं कर पाते थे, अपने काम में हार्डवर्क नहीं कर पाते थे, ठीक है। तो यहां पर बाबा आपको ये बताना चाहते हैं कि अब आप आपकी करंट सिचुएशन है, अब आप पूरा आप जो भी कुछ कर रहे हो उस पे आप फोकस भी करोगे और जो कर रहे हो वो एक बिल्कुल सही तरीके से आप कर रहे हो यहाँ पर। क्योंकि जो कहते हैं ना कि जब दिल हमारा दिमाग दिमाग हमें जब सही जैसे कहते हैं ना कि एक सही डायरेक्शन में लेकर जाता है, उससे हमारे जब पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, ठीक है, हमें निर्णय लेने की क्षमता हमारे अंदर एक प्रबल उसमें आ जाती है, ठीक है। तो वहां पर हम क्या बन जाते हैं, हम अपने खुद के राजा बन जाते हैं यहाँ पर, है ना, खुद की जैसे जिंदगी की कमांड हमारे हाथ में आ जाती है। तो बस बाबा आपको आपकी करंट सिचुएशन में यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि बच्चे जो कुछ कर रहे हो अभी, पहली बात तो बहुत सही कर रहे हो, बहुत हार्डवर्क कर रहे हो, ईमानदारी से कर रहे हो, ठीक है, और उसका फल उसका क्रेडिट आपके अंदर जो चेंजेस होंगे बदलाव होंगे उसको आप देखने के लिए मिलोगे, ठीक है। बस पेशेंस बनाकर आपको जरूर करना है, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि एक बीज डाले हैं, ठीक है, फसल उगने में काटने में फिर उसको टाइम जरूर लगता है, लेकिन जब वो कर्मास का फल हमें मिलता है ना, तो वहां पर उसका उसकी मतलब जो उसकी पुरानी चीजों में जो भी लॉसेस हुआ है, फाइनेंशियली जो लॉस हुआ है, हेल्थ वाइज या करियर वाइज जो भी लॉस हुआ है, वो उसकी भरपाई आप देखने के लिए मिलेगी आपको यहाँ पर। किंग ऑफ सोर्स द हैंगमैन, जो पहले आप चीजों को बेहतर तरीके से कर ही नहीं पाते थे, अब आप उस ऊर्जा में बैठे हो कि जो काम आप मतलब ऐसा लगता था कि ये तो इम्पॉसिबल है, मैं कर ही नहीं सकता, आप अपनी एनर्जी को जैसे कहते हैं ना कि मतलब कुछ दिल कहीं दिमाग कहीं उस ऊर्जा में आप बैठे हुए थे, लेकिन बाबा आपको यहाँ पर करंट सिचुएशन में आप ये बताना चाहते हैं कि आप बिल्कुल भी अपने ऊपर शक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आप इतने पावरफुल हो, इतनी नॉलेज है आपके अंदर, इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी पावर है आपके अंदर कि आप हर परिस्थिति से आप गुजर सकते हो, हर डिसीजन आप ले सकते हो, ठीक है। एक जैसे कहते हैं ना कि क्लियरिटी होना, एक पहले शायद क्लियर नहीं थे आप, रास्ते में ही क्लियर नहीं थे कि कौन सा रास्ता मेरे लिए सही है, क्या कोई रास्ता मुझे आगे की तरफ लेकर जाएगा कि नहीं जाएगा, तो वो रास्ते आप अपने खुद बना रहे हो यहां पर। और जिस रास्ते पर भी हो, जो कर रहे हो आप,
वो बिल्कुल सही कर रहे हो। ठीक है बाबा, भी देखो हर सोल को, हर आत्मा को, हर इंसान को, वो जैसे कहते हैं ना कि उसको उस परिस्थिति से, उस जैसे कहते हैं ना संकट जब हमारे ऊपर आते हैं, तो बाबा भी वहीं पर हमारा साथ जरूर देते। और आपका दिया है, आपका दिया है बाबा ने, कि जब जब भी आप हार्ड वर्क करोगे, जब जब भी आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, जब जब आप अपने आप को, जैसे कोई परेशानी है ठीक है, उसे कम करने की कोशिश करोगे, तब तब बाबा आपका साथ जरूर देंगे। ठीक है बाबा का करंट सिचुएशन में आपके लिए मैसेज यहाँ पर यही है कि आप जो कुछ कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, इसी तरीके से हार्डवर्क करना है, क्योंकि अब आपके अंदर इतनी नॉलेज है, इतनी क्षमता है, इतने पावरफुल हो आप कि हर परिस्थिति को आप बहुत खूबसूरती से आप उसको पार कर सकते हो। हर समस्या का समाधान आपके अंदर खुद है यहाँ पर, क्योंकि आपने जो कुछ किया है ना पास्ट में, वो उस समय से आपने बहुत कुछ नॉलेज आपके अंदर आ चुकी है कि स्थितियों से कैसे लड़ा जाता है, अपने आप को कैसे उभारा जाता है, अपने आप को कैसे काबिल किया जाता है, ये वो पास्ट की ऊर्जा ने आपको सब कुछ इस काबिल आपको बना दिया है। अब आप कहीं फंसने वालों में से नहीं हो। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि दिमाग आपका सबसे बड़ा, यहां पर आपका माइंड, जैसे आपका दिमाग ही आपको बहुत सारी उलझनों में एक कहते हैं ना कि उलझा के रखता था वो। ठीक है, तो यही वही चीज जो आपकी वीकनेस थी ना, वही आपकी स्ट्रेंथ बनने वाली। अब आपका माइंड, ये अब जैसे कहते हैं ना कि वो सबसे बड़ी पावर आपके माइंड की है आपके साथ यहाँ पर। ठीक है, जिसकी वजह से आप किंग बन रहे हो आप यहाँ पर। बाबा का करण इसमें सिचुएशन में यही आपका संदेश है कि अब आप एक ऐसी ऊर्जा में हो, पहले हैंगमैन की ऊर्जा में थे, पहले सोच विचार करते रहते थे, लड़ाई लड़ना कुछ से, मतलब टेंशन में रहना, सोच विचार करना, वो बहुत फाइनेंशियली जैसे कुछ हमारे साथ गलत हो जाता है, हेल्थ वाइज कुछ गलत हो जाता है, पास्ट में कुछ ऐसी चीजों से हम गुजरते हैं। ठीक है, तो वहां पर हम उसको दिलो दिमाग में इस कदर बिठा लेते हैं कि हमें कुछ समझ में ही नहीं आता है। लेकिन बाबा आपको यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि बच्चे आपके अंदर वो ऊर्जा विद्यमान है, वो दिमाग है आपके अंदर। ठीक है, सिर्फ आप अपने ऊपर बिलीव करो, अपने ऊपर फेथ रखो। ठीक है, सबसे ज्यादा मुझे यहाँ पर आपको अपने ऊपर विश्वास करने की जरूरत है। जितना आप अपने ऊपर विश्वास करोगे ना, आप देखोगे कि आपको हर रास्ते में आपको क्लैरिटी मिल रही है। आप जैसे कहते हैं ना कि अपने रास्ते खुद खोल रहे हो, बाबा आपको करंट सिचुएशन में आपको बताना चाहते हैं। देखो यहां पर क्या होता है ना कि एक जिसके अंदर जो हार्डवर्क करता है ना, ठीक है, जो मेहनती होता है, उसे तो कोई रोक ही नहीं सकता। तो पास्ट में शायद आपने जो भी सिचुएशन से निकले हो, उसमें से आपको हार्डवर्क करना तो सिखा दिया है, कैसे अपने आप को फिर से खड़ा किया जाता है, कैसे जैसे हारी हुई बाजी को जीता जाता है, कैसे हम अपने आप को प्रूफ कर सकते हैं, ये सब कुछ आपके अंदर अंदर जैसे कहते हैं ना दिमाग में बैठ गई है आपके पास। अब आप सोचोगे भी ना कि मैं लूजर हूं या मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, तो आप वो सोचोगे ही नहीं, आप वो आएगा ही नहीं आपके माइंड में। बिलीव करोगे तो, विश्वास करोगे तो, पहले बहुत ऐसे समय से गुजरे हो जहां पर पैसों की दिक्कत है ना, हेल्थ से दिमाग साथ नहीं दे रहा है, जो हम करना चाहते हैं शायद वो कर नहीं पाते हैं, हर जगह से फेलियर हमें मिलता है। तो बाबा आपको यहां पर ये बताना चाहते हैं करंट सिचुएशन के लिए कि बच्चे अब वो पहले वालों जो आपकी ऊर्जा थी वो बिल्कुल भी नहीं है आपकी यहां पर। ठीक है, बस अपने ऊपर विश्वास करना, अपने रास्ते खुद बनाने हैं, इतनी नॉलेज है, इतना ज्ञान है, इतना एक्सपीरियंस लेकर बैठे हो आप यहां पर कि आप अपने रास्ते खुद बना सकते हो। जो भी परेशानी है वो खुद अपने दिमाग से उसका सॉल्यूशन खुद निकाल सकते हो आप यहां पर।
इतना हुनर है आपके अंदर, ओके। एंड अब आपको क्या बताना चाहते हैं, मैरेकल्स, ओ गॉड, बाबा आपको यहां पर यह बताना चाहते हैं कि अब जितना ज्यादा आप अपने ऊपर फेथ रखोगे, अपने ऊपर विश्वास करोगे, तब तब आपको आपकी लाइफ में मैरेकल्स होते हुए देखेंगे। एक जैसे कहते हैं ना कि जितना आप अपने अपना हार्ट, जैसे हम अपनी जैसे मेहनत के साथ दिमाग का भी इस्तेमाल करते हैं, दिल का भी करते हैं, हर चीज जब हमें अपने बैलेंस उसमें लेकर चलते चले, तो वहां पर क्या होता है, मैरेकल्स होते हैं। बाबा आपको ये बताना चाहते हैं, ये करंट सिचुएशन के लिए मैसेज है आपका, कि अब आप इतने काबिल हो कि खुद आप अपनी लाइफ को, जैसे कहते हैं ना कि यहां पर कुछ भी कर सकते हो आप, पेशेंस रखना है, ठीक है। और इसी इसी आत्मविश्वास के साथ, पहले शायद आत्मविश्वास एक वो जीरो लेवल पे था, लेकिन यहां पर वो एक बोल रहा है आपका, ठीक है। ये पास्ट में जितना भी हार्डवर्क आपने किया है ना, जितनी मेहनत आपने करी है, उसका, उसको कहते हैं ना कि उसका रिवॉर्ड आपको यहां पर मिलेगा। बाबा आपको यहां पर ये बताना चाहते हैं, हर चीज, जैसे आप अपनी अपनी हर, मुझे ऐसा लग रहा है ना, पहले आप शायद किसी बात को बेहतर तरीके से शायद अपनी बातों को रख नहीं पाते थे, या रखते थे तो शायद इतना आपको एक एक जैसे कहते हैं ना कि शब्दों को कैसे बिठाना है, शब्दों के ऊपर काम करना, मुझे ऐसा लग रहा है आपको शब्दों के ऊपर काम करने की जरूरत है, तो पहले शायद नहीं कर पाते थे, लेकिन यहां पर आपके शब्द अब बोलेंगे, आप शब्दों के ऊपर इतनी कमांड कसने वाले हो। और जैसे कहते हैं ना कि ये वो घूम रहा है, ये समय का चक्र आपका घूम रहा है यहां पर। बाबा आपको यहां पर करंट सिचुएशन के लिए आपको बता, बहुत चेंजेस हैं आपके अंदर, महसूस करो उन्हें। प्रेयर, आपने है ना, आप जिस धर्म से भी हो, जहां से भी हो, ठीक है, आपने अपने धर्म से बहुत कनेक्ट हो, जुड़े हो, बहुत, जैसे कहते हैं ना कि किसी परेशानी में आपने बहुत ज्यादा, आपने जैसे कुछ मांगा है, प्रेयर करी है, प्रार्थना करी है, ठीक है। तो वो कभी भी देखो, पूजा, हम जब भी भगवान से नजदीक जाते हैं, किसी भी धर्म के हो, यहां पर पूजा पाठ करते हैं, तो वो कभी भी, जैसे कहते हैं ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका फल ना मिले, हो ही नहीं सकता। आप शांति से एक अगरबत्ती भी जलाते हो ना, एक दिया भी जलाते हो, तो उसका भी जैसे कहते हैं ना, उसका फल भी, किसी की सेवा भी करते हो तो उसका फल भी ईश्वर देता है। तो वही प्रेयर, बहुत ज्यादा आपने प्रेयर करिए, प्रार्थना करिए, जो इतना बदलाव, इतना चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। जो भी कुछ मांगा है ना आपने बाबा से, वो सब कुछ आपको मिलेगा। यस, बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं ना कि आप, मैं इस चीज को बता चुकी हूं कि आप एक एक ऐसी सिचुएशन में तो जरूर फंसे हो, जिसने आपको फंसा कर रख दिया, और वहां से निकलना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि वहीं से पलटवार हुआ है। जैसे किसी कुछ चीजें पलटी हैं आपकी यहां पर, सबसे ज्यादा आप में एक कहते हैं ना कि क्या पलटा है आपका खुद का, आपका नेचर, आपका स्वभाव, आपका कॉन्फिडेंस। जो पहले आप किसी काम को कर ही नहीं पाते थे, किसी में दिल ही नहीं लगता था, किसी में मन ही नहीं लगता था, अब आप देखोगे कि मिरेकल्स हो रहे हैं आपके साथ। अब आप कोई भी काम करोगे ना, बड़ी शिद्दत से करोगे, बड़े दिमाग से आप करने वाले हो, बड़ी चतुराई से आप करने वाले हो, और उसका
जो भी आप करोगे उसका रिवॉर्ड, उसका फल आपको हैरान करने वाला होगा यहाँ पर। रिजेक्शन, यस, एक किसी चीज से जैसे डिसअपॉइंटेड हुए हो, रिएक्शन, रिजेक्शन मिला है आपको, उसकी वजह से आपने शायद अपने आप को ही भूल गए थे आप। ओके, तो यहां पर बाबा आपको करंट सिचुएशन में आपके लिए बताना चाहते हैं, जिस वजह से भी आपने अपने आप को भुला दिया था, आप कौन हो शायद आपको याद ही नहीं था, ठीक है, तो वो उस ऊर्जा में नहीं हो आप। फेथ, आत्मविश्वास, जहां पर आप अपने, जैसे कहते हैं ना कि आपके अंदर बहुत एक, जैसे कहते हैं ना कि हमारी ऊर्जा जब सही तरीके से नहीं जाती है, ठीक है, आपको शायद पता हो या ना हो, लेकिन अगर आप अपने, जैसे कहते हैं ना, शुरू से स्टार्टिंग से ही आप अपने ऊपर फेथ रखते, अपने ऊपर विश्वास रखते, ठीक है, और एक सही डिसीजन ले लेते ना आप, तो शायद इस उसमें फंसते ही नहीं आप, ये रिजेक्शन आपको मिलता ही नहीं। और ये जो कुछ भी आपके साथ हुआ है ना, ये बहुत अच्छा हुआ, इसकी वजह से एटलीस्ट आपको पता तो चला कि आप कितने काबिल हो, कितने होनहार हो, कितना आप, कितना किसी काम में एफर्ट डाल सकते हो, उसमें उसके बदले आपको क्या मिल सकता है। यहां पर वही है फेथ, हमेशा आपकी करंट सिचुएशन में आपको बोला यही जा रहा है कि आपको अपने विश्वास के साथ काम करने की जरूरत है। जितना विश्वास आप अपने ऊपर करोगे, अपने काम के ऊपर करोगे, ठीक है, अपने माइंड के ऊपर करोगे, अपने ऊपर करोगे, अपनी नॉलेज के ऊपर करोगे, तब देखो आप कितना कुछ आपकी लाइफ में बदलाव होता है। ओके, एंड बाबा आपको क्या बताना चाहते हैं, जय श्री राम, बाबा आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या बताना। ओके, द टेम्पल पाथ, बाबा आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आपको किसी चीज में, जैसे कुछ काम करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, परेशानी हो रही है, ठीक है, या बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, तो बाबा आपको यहां पर बोल रहे हैं कि थोड़ा सा अपने आप को पीस में रखो, अपने आप को शांति में रखो, ठीक है, कहीं ऐसी जगह पर आपको बैठने की जरूरत है जहां पीस है, शांति है, आपको शायद सबसे ज्यादा सुकून शायद आपके घर के आसपास कोई मंदिर हो, कुछ भी हो, गुरुद्वारा हो, कुछ भी हो, आप वहां पर जाके बैठो, थोड़ी सी प्रेयर करो, प्रार्थना करो, ठीक है, ऑब्वियसली आप वहां से बैलेंस जरूर होगे और आपको वहां से एक जो आप चाहते हो उसका, जैसे कहते हैं ना कि हमें खुद को खुद के अंदर से आभास होता है, तो वो चीजें आप फील करोगे वहां पर। करंट सिचुएशन में बाबा आपको यहां पर यही बताना चाहते हैं कि थोड़ा सा अपने आप को समय दो, अपने आप से कनेक्ट होने की कोशिश करो, ठीक है, आपके लिए बोला यही जा रहा है कि आपके लिए एक शांति में रहना, ठीक है, शांति में रहना और अपने काम की तरफ फोकस रखना, अपना कर्मा करना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बाबा आपको यहां पर ये बताना चाहते हैं करंट सिचुएशन के लिए कि अगर आप मंदिर बनवाना चाहते हो, कुछ ऐसा भवन निर्माण करवाना चाहते हो, कुछ भी शायद फ्यूचर में कुछ करवाना चाहते हो, कुछ कुछ दान पुण्य धर्म कर्म, ठीक है, कुछ भी आप करवाना चाहते हो, तो जहां पर उसी मंदिर में जाकर वहीं पर बैठ के आपको प्रेयर करने की जरूरत है। ओके, okay.
डोर टू स्प्रिट। यस, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपने किए, आपने शायद कोई बहुत ज्यादा मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, शांति में रहना, एकांत में रहना। ओके, यहां पर हनुमान बाबा आपको यहां पर ये करंट सिचुएशन के लिए कि जो भी आपकी सिचुएशन है, किसी का वेट कर रहे हो, ठीक है, तो यहां पर आपकी जो स्थिति है ना, वहां से उससे रिलेटेड आपको बहुत जल्दी उसके लिए आपको कोई गुड न्यूज मिल सकती है। आपको कुछ ऐसे मैसेज मिलेंगे या कहीं से कुछ ऐसी कुछ ऐसे, जैसे कहते हैं ना कि कुछ अपने बारे में या कुछ जैसे आपसे कुछ फाइनेंशियली रिलेटेड, यहां पर कुछ ऐसा खुलने वाला है आपकी तरफ जो आपको बहुत ज्यादा खुशी देगा। बाबा आपको यहां पर यही बताना चाहते हैं, करंट सिचुएशन के लिए पेशेंस रखो, आपके लिए वो गेट ओपन कर दिया गया है, आपके लिए वो दरवाजा खोल दिया गया है जहां से आप पॉजिटिविटी को फील कर सको, ठीक है। एक एक जो खुशियां आ रही हैं आपकी तरफ, जो आप हो उसे फील कर सको यहां पर। यहां पर आपके स्पिरिट्स आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। आपके दरवाजे पे शायद आपको फर बहुत नजर आते होंगे, या फर और या पीजन, आपको इस रूप में बहुत कुछ आपको मैसेजेस मिल सकते हैं। बाबा आपको करंट सिचुएशन के लिए बताना चाहते हैं। कुछ आपकी तरफ डेफिनेटली कुछ तो ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं बाबा की तरफ से। करंट सिचुएशन में आप जो भी हो, ठीक है, उसकी ब्लेसिंग्स बहुत आ रही हैं आपकी तरफ। ऑल टाइट अप, यस। पहले मुझे ऐसा लग रहा है ना, किसी काम को करने में शायद आप एक घबराहट सी होती थी आपको, या कर नहीं पाते थे, एक शर्मिला शायद, जैसे चुपके से पीछे खड़े रहना, कुछ नहीं बोलना, ठीक है, जैसे कॉन्फिडेंस नहीं। तो बाबा आपको यहां पर यही बताना चाहते हैं कि विश्वास रखना है। जितना ज्यादा आप अपने ऊपर विश्वास करोगे, आप देखोगे कि कुछ बहुत बदल चुका है आपकी लाइफ में। एंड यस, अभी तक शायद एक कंफ्यूजन, किसी चीज के ऊपर ध्यान नहीं लग पाना या डिसीजन नहीं ले पाना, तो बाबा आपको यहां पर ये बोल रहे हैं कि वो उस जिसमें भी आप हो, सिचुएशन में आप हो, किसी के लिए मैसेज है तो उसमें से एक डिसीजन आप अवश्य लोगे, डेफिनेटली लोगे, ठीक है, या लिया है, किसी ने लिया भी है यहां पर। जिसने ले लिया उसके लिए बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं लिया है वो लेंगे जरूर डिसीजन। और वो डिसीजन जब लेंगे ना, वो क्यों ले रहे हैं डिसीजन, करंट सिचुएशन में किसी की कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जहां पर निकल नहीं पा रहे हैं, तो या आपके लिए बाबा, आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं, जिसमें से आप क्लियर हो जाओगे यहां पर कि क्या करना है। ओके, बाबा क्या मैसेज, बाबा क्या मैसेज, ओके, एक्सपीरियंस लेजीनेस, यस। बाबा आपको यहां पर यही बताना चाहते हैं कि बहुत आपने पास्ट में जो भी आप जिस समय से गुजरे हो, जिस परेशानी से भी गुजरे हो आप, उसने आपको इतना काबिल बना दिया है, इतना जैसे इतनी उस समय से इतनी नॉलेज मिल गई है आपको, इतना ज्ञान मिल चुका है आपको कि अब आप है ना अपनी लाइफ को बहुत, जैसे कहते हैं ना, जिसे सब कुछ पता चल जाता है वो बड़ा रिलैक्स हो जाता है फिर, ठीक है, उसे किसी चीज की एक वो नहीं रहती है। किसी के लिए बाबा बोल रहे हैं यहां पर कि आपको भाई, जो जिसके लिए, किसी के लिए मैसेज है बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर, लेकिन किसी के लिए मैसेज है यहां पर कि आप शायद बहुत ज्यादा आराम में रहते हो, ठीक है, एक जगह बैठे रहते हो, ठीक है, और शायद मुझे ऐसा लग रहा है ना, कोई ड्रिंक, हॉट ड्रिंक या
कोल्ड ड्रिंक अगर आप ज्यादा लेते हैं बैठकर एक जगह, तो वो नहीं करना है आपको। थोड़ा वॉकिंग करो, ठीक है, और अपनी हेल्थ और सेहत पे भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है आपको। या थी नहीं पहले, कुछ ऐसे चीजें थी जहां पर आप फोकस नहीं कर पा रहे थे, तो वो भी आप करोगे यहाँ पर, ठीक है। करंट सिचुएशन के लिए बाबा आपको यहाँ पर यही मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि लाइफ ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया, समझा दिया। अभी भी आप फंसते हो ना, तो वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, शेयरिंग, ठीक है। बाबा आपको यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि अब आप जितना भी आपने एक्सपीरियंस करा है, ठीक है, उसी के आधार पर, उसी के अपने दमखम पर, अब आप जितना भी आपने लॉस हुए हैं आपके पास्ट में, इमोशनली कह लो या हेल्थ वाइज कह लो या फाइनेंशियली कह लो, यहां पर सब आपको यहां पर मिलेगा, ठीक है। आप बिल्कुल भी उस चीज के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इतनी ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ। क्योंकि आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बाबा आपको जानते हैं आप कौन हो, वो तीनों सेंट हो, ठीक है। तो यहां पर बाबा आपको बताना चाहते हैं कि आपको ये करंट जो भी सिचुएशन है, यहां पर आपको इतना दिया जाएगा कि आप दूसरों के साथ भी शेयर करोगे। आपको इतनी बहुत अबंडेंस में बहुत ज्यादा देख रही हो, लाइफ में एक बदलाव है आपके अंदर, बदलाव है, इतना बदलाव है कि आप अपनी हर खुशी को, अपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना, अपने ज्ञान को, अपने एक्सपीरियंस को, अपनी जो भी आपके पास है उसे शेयर जरूर करोगे आप, या करना है आपको। प्लेफुलनेस, यस, ये देखो बाबा आपको यहां पर यही बताना चाहते हैं कि अब आप, आपको अपने, जैसे कहते हैं ना कि नए नए दिमाग में जो भी आइडिया आ रहे हैं, जो भी आपको एक बहुत, तो आपको आपके बारे में क्लैरिटी जरूर मिली है, ठीक है। तो अब आप अपनी लाइफ को भी, अपनी, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपको अपनी लाइफ स्टाइल बदल, चेंज करने की भी जरूरत है किसी को। यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो बाबा आपको बोल रहे हैं आपको दुखी परेशान नहीं रहना है। जितना आप, मतलब एक अंदर से खुश रहने की कोशिश करोगे, खुश रहना है आपको, और उतना ही आप देखोगे कि आप बहुत कुछ, आप अपनों, आप खुद आपकी खुशियों की तरफ आप जा रहे हो। जैसे कहते हैं ना, खुशी खुशी को अट्रैक्ट करती है, दुख दुख को अट्रैक्ट करता है। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि वो काम नहीं करना है आपको यहां पर। ओके, किसी के लिए मैसेज है कि सबको साथ में लेकर चलना है, क्योंकि शेयरिंग की ऊर्जा आई है यहां पर। टेंसिटी, यस, बहुत बहुत जैसे चेंज है आपके अंदर, बदलाव है यहां पर अंदर। बाबा आपको आपकी करंट सिचुएशन में आपको यहां पर यही मैसेज देना चाहते हैं और यही बताना चाहते हैं। ओके, एंड मैं लास्ट कार्ड सोल लूंगी बाबा को क्या बताना। ओके, सन एंड स्टार्स, यस, सन एंड मून। सन मतलब अवेयरनेस, ग्रोथ, कॉन्फिडेंस नंबर वन, ठीक है। मून मतलब आपकी फेमिनाइन एनर्जी। सन हमारा, जैसे एक कहते हैं ना, हमारे अंदर दो एनर्जी से, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी, ठीक है। तो ये आपकी पूरी तरीके से बैलेंस है आपकी, ठीक है। सन एंड मून, आपको सन में भी थोड़ा सा, आपको सन की ऊर्जा में भी रहने की जरूरत है। थोड़ा सा जब हल्के सितारे से निकलते रहते हैं ना, तो उसमें भी आपको रहने की जरूरत है। ओके, आप एक बहुत चीजों को, आपके पास ऐसी ऊर्जा है कि आप बहुत कुछ देख सकते हो,
वो नॉलेज है, वो ज्ञान है आपके पास। वो मुझे ऐसा लग रहा है ना, किसी के पास दिव्य दृष्टि ओपन हो जाती है ना, खुल जाती, तीसरा नेत्र खुल जाता है और वो खुली आंखों से भी बहुत कुछ देख सकते हैं ब्रह्मांड में। तो देखना है उस चीज को, क्या नजर आता है आपको। ओके, प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस एंड मेडिटेशन फॉर पीस एंड यस बाबा, आपको आपकी करंट सिचुएशन में आपको यहां पर यही बताना चाहते हैं कि बच्चे जो भी मैं आपकी तरफ ब्लेसिंग्स भेज रहा हूं, जो दरवाजे आपके लिए खोले गए हैं, वो आपको पीस की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है, शांति की तरफ लेके जाते हैं, प्रॉस्पेरिटी की तरफ, अवेयरनेस की तरफ लेकर जाते हैं। और जो कुछ भी आ रहा है आपकी तरफ, उसमें आपको एक शांति बनाकर रखने की जरूरत है, उसको फील करने की जरूरत है, उसे महसूस करने की जरूरत है कि हां हूं मैं उस ऊर्जा में। आपको बोला जा रहा है आप मेडिटेशन करो, ध्यान करो, ताकि आप बैलेंस रह सको, ठीक है, और फील कर सको कि आपको वो इतना इतना सब कुछ मिला है, इतना सब कुछ आ रहा है आपकी तरफ कि आप जहां पर रिलैक्स होगे और हर चीज जो आपके पास नहीं थी उसे उसे महसूस करो, जो नहीं था एटलीस्ट वो तो है, तो उस जितना है उसे फील करने की जरूरत है, उसमें रिलैक्स करो, उसे उसे महसूस करो। अगर उसे महसूस नहीं करोगे, उस अवेयरनेस को, उस पीस को, उस शांति को, उस बदलाव को, तो फिर कोई मतलब नहीं है किसी चीज का। ऐसे आने को तो कितना भी है, जब तक कहते हैं ना कि किसी भी अवेयरनेस को फील नहीं करोगे, ठीक है। यहां पर किसी के लिए मैसेज है कि आपने बहुत ज्यादा प्रेयर करिए, प्रार्थना, मेडिटेशन, ध्यान, योगा, इन सब के जरिए ये जो बदलाव हुए हैं ना आपके अंदर, ये उसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि आपने क्या थे और आप और आपने अपने आप को क्या बना दिया। आप शायद तिलक लगाते हो, चंदन का तिलक लगाते हो, ठीक है, ये अगर नहीं लगाते हो तो करना है आपको। कोई यहां पर बहुत ज्यादा एक मुद्राओं में मेडिटेशन करते हैं, ठीक है, तो वही वही चीज आपको बहुत आगे तक आपको लेकर जाएगी, पीस की तरफ, अवेयरनेस की तरफ, जिसके साथ आप इंजॉय रहो करोगे, खुश रहोगे। ओके, तो ये थे बाबा के करंट सिचुएशन में आपके लिए मैसेज। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होते हैं तो प्लीज प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव एंड जय बजरंगबली।